ही देर से ढूंढ रहा और तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? बातम बातम किसका? हाला कितनी देर से मिला है, कोई मोहब्बत की बात करना, ये हालात छोड़। देख मौसम कितना प्यारा है। ये मोहब्बत का नहीं, दर्द का मौसम है शानो। हमारा घर, हमारा बलोचिस्तान, जुलम और इंसाफ क्या पर चल रहा है? ये सब कुछ तो हमारे नसीब में लिखा है। और नसीबों को बदला भी तो जा सकता है शानो, पर जिंदगी को मौत में भी तो बदला जा सकता है। वो वक्त कभी आएगा हमको यकीन नहीं आता। शानो हम तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अभी तुमसे मोहब्बत का बात नहीं करता हूँ, इसलिए कि तुम्हारा सीने में एक मायूस दिल है। तुम हमारा बीवी बनकर हमारा बच्चों का माँ बनेगा, चाहे कि तुम माँ ना बने, इसलिए कि एक मायूस माँ एक मायूस नस्ल को पैदा करेगी। हम शिष्य कभी भी माफ नहीं करेगा, समझे? सरकार इस साल बारिश बारिश बिल्कुल नहीं हुआ। वो ये वरी कोई हमारा जुर्म है, ये कुदरत का कसूर है जिसने तुम्हारा दुआ कबूल ही नहीं किया। माते हम लोग का दरखास्त तो सुन सकते हैं नहीं। रहम वो तो बाबा का मौत के साथ ही खत्म हो गया, अब हम हैं और हमारा जीने का अंदाज और है। अगर कल सुबह तक कर्जा अदा न हुआ तो हम अपना तरीका इस्तेमाल करेगा। असर इसको हमारा खास कर घर में बंद कर दो। रहम मनी राजा रहम। बराबर जी मालिक, बाबा गर रहम दिली ने इन लोगों के दिलों से हमारा दहशत उड़ा दिया, मगर हम इनको जीने और मरने का नया अंदाज सिखाएगा। उस बुड्ढे का एक खूबसूरत नौजवान बेटी भी है मालिक। सच? हाँ मालिक, लेकिन वो रहीम की मंगेतर है और वो बड़ा सरफिरा नौजवान है। तुम रहीम को जाल में उलझाओ और उसका मंगेतर को। समझ गया मालिक। फिर जाओ। रहीम सुना है तुम्हारा माँ बहुत सख्त बीमार है? हाँ बाबा, माँ का बीमारी और हमारा गुर्बत, इन दोनों चीजों का कोई इलाज नहीं। अरे घबराता क्यों है, तुम्हारा माँ हमारा माँ है। ये लो रुपए, माँ के लिए दवा ले आ। सच? क्या ये रुपए तुम हमको दे रहे? हाँ बाबा, तुम रख लो, जब तुम्हारे पास होंगे वापस कर देना। अरे बाबा तुम लोग का बहुत बहुत मेहरबानी जवान, बहुत बहुत एहसान। अब अभी जाके माँ के लिए दवाई लेके आता हूँ। दवा नहीं सजा। हमारा साथ धोखा हुआ है, फरेब हुआ है, ये जाली नोट हमको करीम ने दिया था। ये बात का बात है, पहले थाने चलो, ले चलो इसे। अब तो जेल जा और शानो मालिक के पास जाएगी, रास्ता साफ हो गया है। तुम्हारा नाम शानो है, तुम्हें इज्जत बचाकर जान देना आता है। ए, ये क्या करता है? Yeah.
तुम तो ऐसा सो गए जैसे तुम्हारा अपना घर है। चलो हंसता क्यों है? जंजीर तोड़ने की एक तरकीब समझ में आ गई है। वो क्या? वो ये हाँ। सुनो, मैं अंदर तू बाहर, मैं अंदर लेटता हूँ तू बाहर लेट जाना, जंजीर ये इसके ऊपर, गाड़ी आएगी इसके ऊपर से क्रच 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 के काट के चली जाएगी, तुम भी आजाद मैं भी आजाद। वो तुम तो बहुत होशियार आदमी है साईं खान। एक मिनट ठहरो, अभी बताता हूँ। वो गाड़ी आने वाली है। अच्छा, वाकई गाड़ी आ रही है? आ रही है ना। अच्छा ऑटो अपना सर हटाओ, उधर लेट जाओ, चलो। वो क्यों? अरे गाड़ी आएगी जख्मी हो जाएगा। हम जख्मी हो जाएगा? तुम बड़ा होशियार है साईं खान, तुम हम परेशान करते हैं ना। कल हम शादी करेगा, हमारा छोटा छोटा बच्चा होगा, वो तुम्हारा बच्चा सारी जिंदगी उसको ताना देगा कि तुम्हारे बाप ने हमारे बाप को बचा, तुम बाहर हो अंदर लेटेगा। अरे क्या करता है यार, वो हमारा जगह ही अंदर है, तुम जाओ बाहर। अरे पक जाया ना करो, गाड़ी आने वाली है, उठो तो चलो बाहर। यार छोड़ हमको। अरे चलो बाहर। वो तुम आ जाओ। अरे तुम बाहर आ जाओ, मैं अंदर जाऊंगा। मैं कहता हूँ तुम आ जाओ। अरे तुम बाहर आ जाओ, मैं अंदर ले लूंगा। तुम कहते तुम आ जाओ, तुम जाओ, तुम नहीं जाएगा। अरे उठो, अरे मैं कहता हूँ गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है, तुम अंदर आ जाओ। अब कड़ी कैसे टूटेगी? वो देखो, वो गांव है सामने, वो धुआं निकल रहा है, उधर जरूर कोई लोहार रहता होगा, हम अब कड़ी को कटवाएंगे। आओ का पता किसने बताया? दरवाजे के सामने बिखरी हुई राख और चमनी से उठता हुआ धुआं लोहार का घर का पता बताती है। एक ही जुर्म के शरीफ लगते हो? नहीं रे, फिर एक जंजीर में कैसे बन गए? इत्तेफाक से। ये इत्तेफाक कायम भी रख सकोगे या जंजीर कटने के बाद अलग हो जाओगे? इसको काटो पहले। नहीं, पहले अपने जुर्म की बुनियाद बता, कहीं ऐसा ना हो मुझसे वो जंजीर कट जाए जो मैं तुम्हारे हाथों के बजाय गले में देखना ज्यादा पसंद करूं। ये क्या करते हो? एहतियात। किस बात का? इत्मीनान रखो, तुम्हारे कुरान के अलावा मेहमान नवाजी मेरी इंजील ने भी सिखाई है। तुम मेरे मेहमान इसी हो?
हाँ इंसानियत पर ईमान रखता हूँ। बोलो, अरे इंसानियत पर ईमान रखते हो तब वो इंसानियत के दुख तकलीफ को क्यों नहीं निकालते? इसलिए कि मैं नेकी करके दरिया में डालने का आदी नहीं, इस दुनिया में रखने का कायल हूँ। और इस बात का ख्याल करता हूँ कि नेकी उस साफ से ना की जाए जिसके जबड़ों में जहर की थैलियां होती हैं। मोहब्बत की मिठास नहीं होती। हमारी कहानी सुनेगा तो तुमको हम पर तरस आएगा। मुझे तो अब भी तुम पर तरस आ रहा है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुमने किसी का घर तो नहीं लूटा, चोरी तो नहीं की? नहीं नहीं। किसी का दिल तो नहीं तोड़ा? ओ नहीं। किसी की इज्जत तो नहीं लूटी? अरे ना। वतन के गद्दार तो नहीं हो? कसम खुदा का जो वतन का गद्दार हो उसका मारता हूँ। जेल की जबान मत इस्तेमाल करो, मैं तुम्हारी जंजीर काट देता हूँ। अब अगर तुमने कोई जुर्म किया भी है तो अपने हक के लिए किया होगा या अपनी इज्जत के लिए। इस जंजीर को इस लोहे पर रख दो। हमारा ख्वाब हमको चलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, जरा अंधेरा ज्यादा गहरा हो जाए फिर चले जाना, वक्त गुजरता ही नहीं। अरे कानून ने जिस बात को तुम्हारा जुर्म बना दिया है उसकी तफसील अपने दोस्त को सुना दो, वक्त गुजर जाएगा। हाँ पहले तुम सुनाओ ना खान। ठीक है, हम सुनाता है। वो दोस्त दोस्त नहीं जो दिल का बात छुपा है, क्या पता है फिर हमारा तुम्हारा मुलाकात हो कि ना हो। दरअसल बात यह भाई कि हम भी इस मुल्क का गरीब किसान की तरह किसान था, हमारा भी जमीन था और उस पर ले लिया था हुआ फसल। जमीन कुछ कम है खान साहब। क्या मतलब? वो जमीन जहां पर खेत है अगर शामिल कर ली जाए तब फैक्ट्री बन सकती है। शामिल हो जाएगा गुलशेर खान। और खान जी वो जमीन किसका है? वो जमीन खुशहाल खान का है। कौन खुशहाल खान? वो अपना गरीब सा मजारा नहीं उसका है। ठीक है ठीक है, वो जमीन भी हम खरीदेगा इस वास्ते के खुशहाल खान हमारा कर्जदार है, उसको बोलो कि शाम को हमसे मिले। ठीक है खान, बिल्कुल ठीक है। सलाम अलैकुम आधे। ये बताइए क्या बात है शेरगुला? वो तुमको खान ने बुलाया। खान ने? उसने कहा कि तुम जल्दी से उसके पास पहुँच जाओ। मगर बात क्या है बेटा? अरे हमको कुछ पता नहीं। वो हमको सब पता है मोरे, वो खान का रुपो वो का लांझा है ना, वो हमारे लिए मुसीबत बनेगा। तुम फिक्र ना करो, हम बात करके आते हैं, चलो। खुशहाल खाना, तुम्हारा जमीन के बगैर वो कारखाना मुकम्मल नहीं हो सकता है जो मैं उस इलाके में बनाना चाहता है। उधर तुमको भी मुलाजमत मिल सकता है और तुम जैसा सैकड़ों नौजवान रोजगार कमा के अपने पेट भी पाल सकते हैं। देखो खान, हम तुम्हारी बात नहीं मान सकते। जो खेत उजाड़कर बनने वाला कारखाना लोगों को भूखा तो मार सकता है, रोटी नहीं दे सकता, इसलिए कि भूख अनाज से दूर हो सकता है, पैसों से नहीं। तुम्हारा कारखाना पैसा तो पैदा कर सकता है, अनाज नहीं कर सकता। वो तो ठीक है खुशाला, मगर हम तुमको सोचने का मौका दे सकता है। हम जो पैसा लगकर तो उस पर सोचता नहीं है खान। तुम सिर्फ अपना कर्ज याद रखो, जमीन हमारा माँ है, माँ कर्जा हमारा बोझ। हम खून बेच कर भी तुम्हारा एक एक पैसा उतार देगा, माँ का जिस्म बेच कर नहीं। सलाम अलैकुम। अच्छा तुम सुना मुंशी? हाँ सुना और सोच भी लिया क्या करना है। खान फसल बचेगा तो वो कर्ज चुकाएगा ना। तुम ठीक बोलता मुंशी, बिल्कुल ठीक बोलता। क्या कहता है? मेरे नाक को आग लगा दिया। हाँ और उसका बुझना बहुत मुश्किल है। ये क्या क्यामत आ गया है खुशाले, ये क्या क्यामत आ गया है? मोरे हमारे किस्मत को किसी के शरारत ने आग लगा दिया, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। बदला इंतकाम सजा या तुम्हारा मौत, तुम हमको किसी नाम से भी पुकार सकता है खान। लाइट वो खुशहाल है, हमारे अनाज को आग लगा, वो आग हम तुम्हारा घर तक ले आया खान का बच्चा, हमारा माने मरते वो का
अगर तुम जिंदा बचे तो हमारी जिंदगी आराम है। वो खुशाला, वो खुशाला नहीं। खबरदार, चल रहे। ये तो ना इंसाफी और उसका अंजाम। अब हमको कोई मुजरिम समझे या कसूरवार, ये उसका मर्जी। तुम्हारा दोस्त तुम्हें गुनाहगार नहीं समझता। लोग जो चाहे समझे। अंधेरा काफी हो गया है। अंधेरा अगर ना होता तो मैं तुम्हारे दिल पर लगे हुए गहरे जख्म भी देख लेता। कोई बात नहीं, जिंदगी रही तो दोस्तों की तरह फिर मिलेंगे। जाओ, अंधेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अच्छा यारा, खुदा हाफिज। कदमों की आवाज पुलिस की थी ना? हाँ, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। पुलिस जालमों का पीछा करती है तो मैं जालमों का दुश्मन हूं। हौसलो करड़े, हौसलो। मैं खाली हाथ हूं, तेरे हाथ में बंदूक है। आदमी तो जवान लगते हो, दूसरा मांगर क्यों मारते हो होशु को? तो फिर बादर के हथों मरने वास्ते तैयार हो जा। भलो रे भलो। Thank you.
चली गई है ते और तुम्हारी मौत आ गई। वो तुमको समझाना है मरा, वो जवान जवान का दुश्मन हमको अच्छा बात नहीं लगा। तुम हमसे लड़ता है, तुम हमसे लड़ता है, हम तो पहले ही मुसीबत ज्यादा लोग यार। मुसीबत ज्यादा आओ आओ मेरे लाल। कैसे तशरीफ आईया हैं? यहाँ पे मफरूर तो नहीं आया? वो राजू के घर में मफरूरों का क्या काम जी? चलो दूसरी जगह तलाश करो। ओ साहब बहादुर, सारी जिंदगी आपकी मफरूरों को लपते लंग गई है। तशरीफ ले आओ, कोई चाय पानी, कोई लस्सी शस्सी, कोई चरखा फ्रूट वगैरह। कोई जरूरत नहीं, जाओ दूसरी जगह तलाश करो। और जिन्हें आपकी मर्जी भी, हम तो आपके बड़े पुराने ताबेदार हैं। और तुम यहाँ बेफिक्र होकर छुपे रहो, मैं जरा ताला ला के तो बाहर जाता हूँ। इस वास्ते के मकान के आसे पासे पुलिस आने भी फिर रही है, ठीक है? मैं जरा लाख का जायजा लेके आता हूँ। हजार रुपया मोड़ देता ते तेरी जमीन के कागज तेन वापस मिल जाएंगे। नहीं तो याद रखी, जमीन भी साड़ी हो जाएगी ते फसल भी। चौधरी साहब, तुसी चार दिन चो दो दिन होर कटा दियो, इसलिए कि मैं रकम का बंदोबस्त कर लिया, मैं दो दिन च तुहाड़ा कर्जा ला देंगा। जेड़ा कर्जा तेरा प्यो 40 साल च नहीं ला सकिया, तू दो दिन च किस तरह ला देना? तेन पता है ना ये मोजियां का जमाना है तो ना जादूगरी का। चौधरी साहब, जादू तो मौजे रहन या ना रहन, पर इन्ना जरूर याद रखना कि गरीबों की रहमत खुदा दी कयामत तक रवे। मेरी जमीन के कागज अगर तुहाड़े कोल किधरे दूर रखे तो फौरन मंगवा के कोल रख लो, इसलिए मैं तुहाड़ा कर्जा लाने तो बाद कागज लैके एक मिनट ही दौड़ जाना चाहिए। पर तैनू 15,000 रुपए की रकम कौन देगा? मुंशी जी, रकम उत्तों आने लिए अल्लाह ने चाहे तो कल तक आ जाएगी। मैं भी तुहानू इहो दसना सिया सां चौधरी साहब। चंगा सलाम अलैकुम। वो हमारे को वीर चौधरी खान तुम्हारा बहुत बहुत क्यों नहीं खान साहब, क्यों नहीं यार, तुम तो है ही बड़े चंगे लोग। चलो सही, चंगा भाई, खुदा हाफिज। अच्छा मौला मदद से यार, खुदा हाफिज। हम तुमको कुछ न दे सके चौधरी खान, वो हम तुम्हारा प्यार का निशानी ले जा रहा है, हमारे लिए बहुत है। रुक जाए, मैंने वैसे तो तुम्हें फ्रूट तो चरगर ही ना खुआए, मैं तो तुम्हारी गिरफ्तारी के नाम बदल का इंतजार करता रहूं। और कोई गल नहीं, तुम्हारी जानों पे मैंने 400-500 रुपया खर्च किया, 15,000 भी तो मुझको ही मिलेगा ना। हमने कहा था चौधरी खान, तुम्हारा प्यार का निशानी है। तुम्हारी बंदूक में गोलियां नहीं है, आली है। राजू भी कच्चिया गोलियां नहीं खेडिया, जिस बंदूक चो तुसी गोलियां कड़िया सन। ओ बंदूक है वे, ते सौदा मैं अपने दुश्मन चौधरी को सीखिया सी, खास ते और मारन वास्ते फोर अगे लगो है। तुम तो अज राजू तुहानू वेच के अपने दिल दिया सारिया हसरत पूरिया करेगा, अगे लगो है।
सरदार साहब, अब हमारा नाम तो हमको दो। घबरा नहीं राजू, इनाम ऊपर से आएगा तो मिल जाएगा। ऊपर से कहाँ से आएगा? आसमान से। तुम आराम से घर जाओ राजू, मैं जी साहब को इतला करता हूँ, इनाम तुम्हें मिलेगा। घबराओ नहीं, ले चलो इन्हें लॉकअप में। चलो राजा। ओ क्या हाल है पाटेवड़? कोई जंजीर बनवाने आए हो? नहीं यार नहीं। तो फिर शायद वो खबर सुनाने आए हो जिसे सब सुन चुके हैं। ओ यार तुम तो बड़े कम रुझे हो, क्या बात है, खैर तो है ना? हाँ भाई, मेरा रोटी कमाने का वो जरिया नहीं है जो तुमने अख्तियार कर रखा है। ओ यार मैंने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की है। वो इश्तारे मुजरम थे, उनको कोई भी गिरफ्तार करा के नाम ले सकता है। सुना है वो तुम्हारे मेहमान थे? ओ आहो, वो हमारे मेहमान थे। तुम तो मुसलमान हो राजू, और सुना है मुसलमान मेहमान पर जान दे देता। और तुमने ठीक ही सुना है पहाड़े बटे, मुसलमानों में तो होता ही इस तरह है। तुमने उनका जुर्म पूछा था? और यार वो कानून के मुजरम थे, मगर उन्होंने तुम पर एक बार किया था, और एक बार ही तो इंसान का सब कुछ होता है राजू। एक बार ही तो है जो इंसान को गहरे समंदर में एक छोटी सी कश्ती में बिठा देता है। अगर वो कश्ती ही कागज की बनकर पिघल जाए तो फिर एतबार करने वाले का कोई कसूर नहीं होता। राजू तुम जाओ और अपने दरवाजे पर लिखकर लटका दो कि तुम एतबार बेचते हो, मेहमान बेचते हो, इंसान बेचते हो। शर्म से डूबी हुई आवाज में इतना जोर से चीखो राजू कि पूरी दुनिया सुन ले, और फिर कोई भी इंसान पनाह की तलाश में तुम्हारे दरवाजे तक ना आए। मनु माफ कर दे यार देवट, माफ कर दे। अशु, मैं पूछता हूँ कि इस इलाके में तुम्हारे हाथों की जंजीर किसने काटी? अरे क्यों हमारा मगज चाटता है, जाओ अपनी ड्यूटी श्यूटी करो, हलाल की खाओ, आराम करो, हम नहीं बताएगा। कैसे नहीं बताएगा, तो मैं बता रहा होगा। तो फिर कयामत तक पूछते रहो ताणेदारा, हम नहीं बताएगा। भलोड़, जिसने हम पर एहसान किया है ना, हम उसका नाम बताकर उस पर जुल्म नहीं करना चाहते। अरे हम उसकी नेकी को अजाब में नेकी, मैं समझ गया हूं कि वो कौन है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। अपनी रहम दिली को अपने लिए मुसीबत न बनाओ डेविड। मैंने नेकी की है इंस्पेक्टर, और मैं अपनी नेकी को पछतावा नहीं बनने दूंगा। ले चलो इसे, ये सिर्फ सलाहें काटना जानता है, सलाहों के पीछे खड़ा होगा तो सब कुछ बता देगा। लगाओ खड़ी। जनाब जनाब, क्या मुलजम होश और खुशहाल हवाला से दीवार में नकब लगाकर फरार हो गए। नकब लगा? वो नकब कैसे लगा सकते? यकीनन किसी बाहर के आदमी ने उनकी मदद की है। जुखान तुम हमको कभी गिरफ्तार करता है, कभी बाहर निकालता है, हमारा समझ नहीं आता चक्कर क्या है। ओ यार खान बादशाह। हाँ, हमारी जरूरत ने तुम्हें गिरफ्तार कराया था तो हमारे जमीर ने तुम्हें आजाद करा दिया। तो फिर तुम्हारी जरूरत पूरी हुई? और तुम मेरे भाई हो भाई, मैं भाइयों को बेचकर अपनी बहन के वास्ते जेवर नहीं खरीद सकता। वो हम समझा नहीं राजू खान। और यार खान बाबा, मेरी एक बहन है। क्या हुआ उसको? इस महीने के अखीर में उसकी शादी होने वाली है, और मेरे बाप ने जागीरदार से कुछ कर्ज लिया हुआ है जिसके बदले में उसने उसको कागज लिख के दे दिया है। अब जब तक वो कागज वापस नहीं ले आता, ना मेरी बहन का ब्याह हो सकता है, ना कुछ हो सकता है। इस वास्ते वो मुझसे सब कुछ छीन लेगा। वो फिक्र मत करो राजू खाना, खुदा कसम तुम्हारा बहन हमारा बहन है,
अरे रख अल्लाह पर, हम तीन दोस्त तीन खंजर बन के जागीरदार की तक दिल में घुस जाएंगे। जिस कागज पर जागीरदार का कर्जा लेकर राजू खान, खुदा कसम उस कागज को जागीरदार का कफन बना देगा। हम तीन भाई अपनी बहन को सुहाग का सुर्ख जोड़ा पहनाने के लिए अपना खून बहा देंगे। तेरी दुनिया दी तीनों नुकरा ते मौत ही आए, एक नुकर इस्तेजारी ओदे च कागज करके मेरे हवाले कर दे आए, नहीं ते सुबह दा सूरज चढ़न तो पहला पहला तेरे रिश्तेदार तेरी कबर नहीं थाल लबणगे। राजू, राजू अज की हो गया पुत्र, अज तू तेरे पिंड दा पुत्र है, तू ते मेरे पुत्र नु जाना है। पुत्र कह के पत्थर दा पुत्र ना बुला ले चौधरिया, मेरा प्यो एक नेक इंसान है, तू दिया हसरत का कातिल है, तू एक भैन के सौर के रस्ते की कंधे हुए एक भरा दरमान का दुश्मन है, दस मेरी जमीन के कागज कितने नहीं। मेरी गल तो सुन राजू, सुन भलो अरे भलो, अरे मौत सुना नहीं करती है, सिर्फ अपने शिकार पर झप्पा मारती है। सिद्धी तरह कागज हमारे हवाले कर, अपने कफन दफन का बंदोबस्त कर। ओ साईं, पहले इस काफिर को तोड़ा जख्मी तो करो। वो काम दे उठो, मैं तो कागज तेरे मैं कागज वो शिकार। भलो भलो, कागज भी नहीं रहना चाहिए चौधरी, इसलिए कि मैं कल्ला ही नहीं, आज जिस पिंड का हर मजलूम आजाद होगा। काका हेलो, आज असी सारे भरावां ने मिल के इस पिंड के हर गरीब आदमी का कर्जा जिम्मेदार को माफ करा दिता है। कोई आ किस तरह की कह पुछरा, जदों भरावां दियां बाहां रल जाण ना अब्बा, ते पहाड़ अपना सिर नीवा कर देंदे ने, जिम्मेदार तो शाय कोई नहीं। हम सब तेरे बेटे हैं बाबा, और जिसके बेटे जवान जमाल हो जन उनको किस बात का फिक्र। हम मिलकर मेहनत करेगा बाबा, और अपना बहन का शादी मनाएगा। गिरफ्तार कर लो इन्हें, सारे मेरे घर का माल है, इन्हें लड़के मैंने लुटी है। इंस्पेक्टर साहब, अरे असी ओ कागज पारे ने जिन्हें चूठा हिसाब लिखा थी बेगैरता, झूठ के पे बोलने। हमने कोई डाको वाको नहीं मारियो है साई, हम बेकसूर तानेदार साहब। ये बात मैं नहीं अदालत सुनेगी, इंस्पेक्टर ले चलो। चल रहे तानेदार साहब बाबा। ये तुम्हारे सोने की जगह है और ये तुम्हारे कंपन है, यहाँ आराम से रहना। ये जेल है, कोई गड़बड़ ना करना, तुम्हारे मामू का घर नहीं है। ओ पता पता, कोई नई जगह नहीं है खाना खराब का बच्चा। अच्छा मैं अब चलता हूँ, सलाम कर। जेल की रोटियां खा खा के इतना पेट कटिया है हल हल। वाले तुम सलाम। अरे वो डेविड, वो मरसूम से, अरे हमारा मोहसिन, तुम लोग यहाँ कैसे? ओ यार ये बहुत लंबी कहानी है, तुम सुना, तुम इधर कैसे? ओ यार मैं लोगों की जंजीर काटने की नेकी मुझे याद है। ओहो, मेरा मतलब ये हुआ कि
हमारी वजह से तुम यहाँ फंसे हुए हैं। यार ये तो बड़ा जुल्म है हमारा दोस्त। अरे यार नेकी और दोस्ती के लिए तो जान भी हाजिर है। सिर्फ ये सोचता हूँ कि ये खबर सुनकर सोजाना के दिल पर क्या गुजरेगी। सोजाना? कौन सोजाना? मेरी बहन, जिसके सिवा मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है।
फ्यूचर सर ऑफ हिम सरहद पार पहुंच जाएगी। तुम मुझ पर इतवार कर सकते हो। मुझे एहसास है आइज़क, तुम्हारा ताबुन हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। थैंक यू थैंक यू। फिक्र न करो, सब कुछ हमारे कॉन्टैक्ट की मर्जी के मुताबिक ही होगा। हेलो सुजाना, आओ। आज बड़ी थकी थकी सी लग रही हो। हाँ हाँ, तुमने डांस बहुत अच्छा किया। बात क्या है? आज पहली तारीख है ना। ओ आई सी, आई कंप्लीटली फॉरगॉट। इनसे मिलो। ये है मिस्टर आइज़क, हमारे बहुत अच्छे दोस्त। ग्लैड टू मीट यू। और मिस्टर आइज़क, ये है सुजाना, बहुत ही अच्छे दिल की लड़की है। किसी मजबूरी के तहत नहीं, सिर्फ अपने शौक के लिए क्लब में डांस करती है। शौक के लिए भी नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए नाचती हूँ कि इंसान के सताए हुए इंसान के जख्मी दिल के लिए कुछ देर का सुकून और चंद लम्हों की मुस्कुराहट बन जाऊं। बड़ा अच्छा जज्बा है तुम्हारा। मगर अफसोस कि इस दुनिया में मरहम बनाने वालों से घाव लगाने वाले ज्यादा है। अच्छा ख्याल है। भाई दुबे, ये लो। देखा, मुझे याद था कि आज पहली तारीख। शुक्रिया मिस्टर अमजद, तुम आग का कारोबार करने वाले हो। ये मोम के पुतले कहीं तुम्हारी नाकामी ना बन जाए। डोंट यू वरी आइज़क, ये मोम के पुतले उस वक्त से पहले ही पिघला दिए जाए। बोलो, कर्ज लेने वाले को पता चल गया तो वो दरवाजा तोड़ देगा। जॉनी, ऊपर नहीं, नीचे आओ। नीचे से हमारा फॉर्मेट दिखा लो, आज हम जिम खाना पिएगा। डैडी, आज पीऊंगा। शराब यू फूल, तुम पहले ही मेरा खून पीता है, उसमें जिम खाना मिक्स है। चलो दुस्ताना आइसक्रीम, दुस्ताना आइसक्रीम। इबादत करना चाहती हो? नहीं, शिकायत करना चाहती हूँ। किसकी? एक बेगैरत की। कौन है वो? क्लब का मालिक। क्लब का मालिक? लेकिन वो तो तुम पर बहुत मेहरबान है। मुझ पे मेहरबान है, मगर मेरे वतन से गद्दारी करना चाहता है। मैं समझी नहीं। मैं भी आज ही समझी हूँ, आज ही जाना है कि असलम क्लब के नाम पर मेरे जिस्म और आवाज के सहारे वो बारूद इकट्ठा कर रहा है, जो एक दिन धमाके से फटेगा और मेरे वतन की सरजमीन से आजादी का निशान मिट जाएगा।
अरे बोलो डैडी जी, तुमने जन्म हमें क्यों दिया? अरे बोलो डैडी जी, तुमने जन्म हमें क्यों दिया? ना हमारे अच्छे कपड़े, ना मजे का खाना, ना हमारे अच्छे कपड़े, ना मजे का खाना, देख के अपनी हालत तुमसे पूछेगा जमाना। अरे बोलो डैडी जी, तुमने जन्म हमें क्यों दिया? तुमने क्या क्या तुम्हें बताए
कौन है? पता नहीं कौन है, अभी अभी चलना मैं पहले आया, खासा और सो गया, मुझे सलाम तक नहीं किया। वो खाना खराब का बच्चा, तुमको पता नहीं इसने हमारा गांव की तरफ पांव किया, वो उठो। उठो, मैं उस तरफ करके सो, उठो। क्यों, इधर क्या है? वो तुमको पता नहीं इधर हमारा गांव है। अरे जॉन, इधर हमारा गांव है, हम पैर इधर नहीं करूंगा, चला कम आ जाओ। वो तुम्हारा तो अब्बा भी करेगा, कैसा नहीं करेगा। इधर तुम्हारा गांव है, इधर इसका गांव है, और इधर मेरे मामू का गांव है। अगर तुम लोग इसी तरह लड़ते रहेगी तो सारी जिंदगी खड़ा रहेगा। बस एक बात याद रखो कि काबे की तरफ सर हो, पैर चाहे किसी तरफ कर लो, तुम लोग मुसलमान हो। भलो भलो, और आपस में भाई भाई हो। चलो एक दूसरे के गले लगो। चलो। अरे देखता तू नहीं, तुम्हारी मुलाकात आई है। अरे हमको मिलने को ना है। अच्छा जवान, हम लोग अभी आता हुआ, चलो सलाम करो। अरे गुलाम चाचा, तुम यहाँ कैसे? अरे माँ का क्या हाल है, बाबा कैसा है, सब गांव का क्या हाल है? अरे सरदार तेरे खानदान से बदला लेना मांगता है। बेटे दुआ करो, खुदा तेरे माँ बाप की मौत आसान बना दे। उससे पहले हम सरदार का कजा बनकर उस तक पहुंच जाऊंगा।
तभी वो भलोड़ जेल से भागने की कोशिश कर रहा था। वो बदकिस्मत पकड़ा गया। खुदा खबर उन्होंने जेल में क्या सलूक हो यार, को पता ही नहीं है। ओए सुनो, वो खाना खराब का बच्चा, फिर और रोटी तो खाने दो जालिम का बच्चा। इस बैरक का कैदी जो फरार होने की कोशिश में गिरकर जख्मी हो गया है, उसे खून की जरूरत है। क्या तुम में से कोई मुझे सलाम करके उसे खून देगा? मगर भाई तुम खुद क्यों नहीं खून देते? मैं बीमार हूँ, कमजोर हूँ, लाचार हूँ। मेरे बच्चे खून? अरे अपना खून तो जेल के राशन ने पहले ही सुखा दिया है। और वो कौन सा हमारा भाई है? मरने दो साले को, पता नहीं कौन है। उसका हमसे सबसे मजबूत रिश्ता है, दोस्ती का। वो हमारा हम वतन भी है और इंसान भी। इंसानियत और वतन का रिश्ता सबसे मजबूत रिश्ता होता है। आओ मेरे दोस्तों, हम सब उसे खून दें। खून बैंक में डिपॉजिट करा दो, किसी और के काम आ जाएगा। मेरे दोस्त की हालत खतरे से बाहर है। थैंक गॉड। कैसे हो दोस्त? कौन हो तुम? दोस्त ही कह सकते, मेरा खून तो तुम्हारे काम नहीं आया, खुदा ने दुआ सुन ली। रयाम तुमको नहीं पहचाना। अच्छे हो जाओगे तो दोस्तों को पहचान लोगे। तुम हमारे वास्ते बहुत परेशान है, तुम हमारे वास्ते दुआ भी किया। तुम हमारे इलाके के रहने वाले, अरे हम पल चू, क्या तुम लोग भी? इतना खून बह चुका है फिर भी ये नापा जहन से नहीं निकला। खुदा को याद करो, खुदा को। अरे क्या बता नहीं, तुम्हें वतन बहुत याद आता है। वतन मुल्क की जमीन को कहते हैं दोस्त, जमीन के टुकड़ों को नहीं। उधर देखो, उन तीनों के खून का तोहफा तुम्हारी जिंदगी बना। अगर वो इलाका याद रखते और इंसानियत भूल जाती तो शायद अब तक तुम मर चुके हो। याद रखो दोस्त, जमीन को सियासत ने बांटा है, नफरत ने टुकड़े टुकड़े किया है। इन टुकड़ों को इकट्ठा करो, दरारों को फैलाओ नहीं। वेरी गुड एवर्ट, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं आईजी साहब से तुम्हारी सिफारिश करूंगा। किस बात की सिफारिश साहब? तुम्हारी रिहाई की। जेलर साहब, किसी तूफान के बिखराए हुए ये तिनके इकट्ठे हो जाए, उस दिन मैं खुद बहुत रिहा हो जाऊंगा। जेल के दरवाजे उस दिन मुझ पर न भी खुले, मगर मेरी रूह को आसमान तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा। नई जिंदगी मुबारक हो दोस्त। तुम सब दोस्तों का एहसान है भाई। एहसान नहीं, वो खुदा का रहमत करो, रहमत। वो यार पर क्या गल है, तुम जेल से नसना क्यों चाहते? हमारा माँ और हमारा बाप के ऊपर बहुत जुल्म हुआ था, बहुत जुल्म। अरे हमारे साथ मिल जा, हम सारे जालिमों को खत्म कर देंगे। खड़े अब तो हम सारा जिंदगी के वास्ते तुम लोग के साथ में जवान। डेविड मेरा भाई है और तेरी मोहब्बत, मुझे यकीन है वो गुनाहगार नहीं हो सकता। लेकिन डेविड ने खत में ये क्यों नहीं लिखा किसे कितनी सजा मिली है? हो सकता है उसे खुद ही पता ना हो। बेगुनाहों की सजा लंबी भी होती है और चंद लम्हों में खत्म भी हो जाती है। मेरा दिल कहता है सुजाना, डेविड जल्द रिहा हो जाएगा। तेरा दिल है, दुनिया नहीं। और डेविड दुनिया के दी हुई सजा काट रहा है। तेरी मोहब्बत की आस कानून की किताबों को नहीं बदल सकती थी। लो भाई डेविड, तुम्हारे रिहाई का आर्डर आ गया। मेरी रिहाई? हाँ, लेकिन मेरे सारे दोस्तों यहाँ हैं, मैं बाहर जाकर क्या करूँ? ये मैं नहीं जानता। अब तुम यहाँ एक मिनट नहीं ठहर सकते, मुझे सलाम करो, बाहर चले जाओ। ऐसी शौक हो तो फिर वारदात करके आ जाना।
अच्छा भाई दोस्तों, तुम सब यहाँ जेल में रहो, मैं बाहर की कैद में जाता हूँ। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। दुआ करो हम भी इधर अंदर हो जाए, हम अपना बीवी बच्चों से बहुत तंग हो गया है। हमको याद आया हमने तुम्हारा आने की खुशी में उधर डॉलर का बंदोबस्त किया है। मुझको ये देश प्यारा, देश मेरे दिल की उमंग हो गया। ओ सजनी सजनी, देख के जमाना तुझे दंग हो गया, जमाना दंग हो गया। Thank you.
धरती पे लगते नहीं तेरे पाँव। दिल का अंधेरा जिसने किया दूर दिल का अंधेरा, वो देश है अब तो ईमान मेरा, ईमान मेरा है ईमान मेरा, ईमान मेरा है ईमान मेरा। तो अपने रास्ते पे मुझको लगा ले, मेरे भी आंचल का परचम बना ले, ओ सजना तो गुलाबी मेरा रंग हो गया, गुलाबी रंग हो गया। पायल बिछन के कंगन बिखन के लहराए चंद्र दानी, नैनो के पीछे धड़कन के नीचे हलचल मचाए जवानी, ओ सजना सजना देख के जमाना मुझे दंग हो गया, जमाना दंग हो गया। जी अम्मर, अरे तू अपने होशों को देखकर हैरान क्यों हुई है अम्मा? हाँ मैं समझ गया, दाढ़ी वाड़ी रख ली है ना मैंने, इसलिए। अम्मा बैठ ना, बैठ। तू रो रही है अम्मा, रो क्यों रही है? जोहरा की शादी होने वाली है बेटे। जोहरा की शादी? मेरी बहन की शादी? हाँ तो फिर इसमें रोने की क्या बात है अम्मा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मगर बुढ़ेरे ने धमकी दी है कि वो शादी वाले दिन जोहरा को टोली में से उठा कर ले जाएगा। नहीं अम्मा, तू फिक्र न कर, तू बिल्कुल फिक्र न कर अम्मा, जब तक मैं जिंदा हूँ। जिंदा है बेटे, मगर कैद में है, तेरी सजा बहुत लंबी है, और जोहरा की शादी में बहुत कम दिन है, बहुत कम। अम्मा तूने जो मुझे खबर सुनाई है वो मेरे खून में आग बनकर भड़की है। जा मां जा, जा तू मेरी बहन को सुहाग का जोड़ा पहना और बढ़ेरे की लाश पर कफन डालने का तरीका मैं सोच लूंगा। तू क्या करेगा बेटे? मैं कुछ करूं ना करूं मेरे खुदा को कुछ करना ही पड़ेगा। अम्मा अम्मा इसलिए कि मैं खुदा को मानता हूं और वडेरा दौलत का पुजारी है। अब
किस रिश्ते से मिल के आया जो तुम्हारा सर झुका कर चला गया? गैरत इम्तिहान में पड़ गई है दोस्त। ऊपर गल की हुई है, खुल के डाल सर। तुम्हारा गैरत तुम्हारा गैरत है साईं, बोलो। तो फिर सुनो, मजा आ गया आज तो तेरे हाथ की पकी हुई रोटी खाकर। हाँ, मुझे अपनी अम्मा याद आ गई। हाँ माँ, कितने पैसे? अरे माँ भी कहता है फिर पैसे भी देता है। पर अम्मा मैंने मानी खाई है। जानती हूँ, अपने पैसे अपने पास रख, किसी और काम आ जाएंगे। नहीं नहीं अम्मा, पैसे आपको लेने पड़ेंगे। मैं कह रही हूँ अपने पास रख, सारा दिन गांव का काम करता है। कभी किसी ने तुझे भी पूछा है तेरे पास कुछ है कि नहीं? हाँ माँ, कहती तो तू ठीक है, मगर मैं किसी से कुछ लेकर करूँगा क्या? मेरा है ही कौन जिसके लिए पैसा कमाऊँ? अकेली जान हूँ अम्मा, बस सखी शहबाज की बरकत। आसमान की तरफ जब हाथ उठाता हूँ ना माँ, तो मानी मिल जाती है। मैं वो वक्त नहीं भूली होशू, जब मेरा मकान गिरा, तूने मजदूरों की तरह काम किया। सकीना का बाप मरा, तूने खुद कब्र खोदी। उस वक्त कोई मेरे पास नहीं आया। अगर तू ना हो होशू, तो इस बस्ती के कई गरीबों के काम रुक जाए। अरे अम्मा, अगर हम इतना भी न करें तो फिर हैफ हो हमारी जिंदगी पर। लानत हो उन भाइयों पर जो अपनी माँ बहनों की इज्जतों की हिफाजत नहीं करते। क्या बात है सकीना? ये मेरी इज्जत। बस बस, मैं समझ गया हूँ क्या चाहते हो। सकीना मुझे अच्छी लगती है। हेलो, तो फिर बहन बना लो ना इसे। होशू, तुमने सुना होगा, जो इस इलाके की लड़की हमें अच्छी लगती है, हम उसे क्या समझते हैं? हम बटेरे हैं। अरे खुदा और रसूल के बाद मैं उस ऊंचे मुनारों वाले सरदार को मानता हूँ। अरे तुम जैसे वडेरे शडेरे तो उसके दर के कुत्ते हैं। होशू, तूने मुझे गाली दी है। नहीं नहीं भलोड़, नहीं। अरे मैंने तो तेरा असली नाम लिया है। बकवास बंद कर, चुप रहो और कान खोल कर सुन लो वडेरा। मेरी जबान सकीना को बैंक कह चुकी है, और अब मेरे हाथ इसकी तरफ गलत निगाह डालने वाली आंखें फोड़ डालेंगे, हाथ तोड़ देंगे और पांव काट डालेंगे। तू किससे बात कर रहा है होशू? अपनी जात को पहचान। अरे गरीब की कोई जात बात नहीं होती, कोई मानता है मान जाए, नहीं मानता है गर्क हो जाए। तो फिर ये मेरी जिद है, जो मैं चाहता हूँ सकीना को पूरा करना होगा। ये कल जंगल की तरफ गई तो वापस घर नहीं, मेरे बिस्तर पर पहुँचेगी। अरे जा, अरे जा, और मेरा चैलेंज भी सुन लो वडेरा। सकीना उस जंगल में आएगी और जरूर आएगी, और उस वक्त तक इंतजार करेगी जब तक तुम्हें तुम्हारी मौत न वहां ले आए। अब भाग जाओ यहां से, डरो। देखा जाएगा। कमीरा कितने जा बड़े आए हैं खोतों पे बैठ के। किधर है वो बुजदिल जिसने कल तेरी हफाजत की कसम खाई थी? आसमान की तरफ देख, नजर आ जाएगा। ये जमीन हमारी है, आसमान भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। आओ पकड़ो। हाँ
इन हरामजादों से निपट कर आता हूँ। जा। सदके जावा तेरे नाम ता, तू बड़ा इंसाफ करने वाला। मेरे भाई को कत्ल कर दिया गया है और तुम सब मुर्दों की तरह चुप खड़े हो। लायक लायक है तुम सब पर। इसके कातर को ढूंढ कर लाओ। जाओ। आज तेरी आखिरी हिचकी के साथ इज्जतें लूटने का पुराना दस्तूर भी मर जाएगा। गिरफ्तार कर लो इसे। भागने की कोशिश ना करना। खबरदार, अगर उस घर की तरफ देखा जिसकी इज्जत का पैरा मैंने दिया है, ये धमकी नहीं ऐलान है बडेरा, ऐलान। अरे अगर तुमने मेरी बात न मानी तो रब जो सो सिंध के रेगिस्तान भी तुम्हारी कब्रों के लिए जगह देने से इनकार कर देगी। हल भलो। और मैं यहां पहुंच गया, लेकिन वही दुख जो मुझे यहां लाया था आज भी मुझे यहां से फरार होने पर मजबूर कर रहा है। मैं अपना इकरार, अपना कौल कभी नहीं भूल सकता। मैं अपनी जीजल मां और बहन को हरगिज बेसहारा नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। फिक्र मत करो दोस्त, हम तुम्हारा साथ हैं। अरे जवान, कसर पैदा करने वाले का हम अपना रगों में गर्दिश करता हुआ खून तुम्हारे लिए तुम्हारे कदमों में बांधूंगा। होशु, दुनिया का कोई दरवाजा, कोई कंध साडा रास्ता नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकते। मैंने जो कुछ बताया है भलोड़, समझ में आया ना? दोस्त हूं, दोस्त की जबान भी समझता हूं और मकसद भी। तुम फिक्र ना करो, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। चलो यार, अल्लाह तो हाँ।
गिर पड़ा। तेरी बारात आने वाली है बेटी, और बटेरे का साथी धमकी दे गया। काश आज तेरा भाई होशू यहाँ होता तो। घबराने की जरूरत नहीं है माँ। तुम कौन हो बेटे? मेरा नाम डेविड है माँ, और मैं होशू का दोस्त हूँ, और तुम्हारे लिए उसकी तरफ से तसल्ली का पैगाम लाया। मुझे मदद की जरूरत है मेरे बेटे। कल मेरी बेटी की शादी है, मेरी इज्जत का सवाल है मेरे बच्चे। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सब जानता हूँ माँ, तुम बिल्कुल फिक्र न करो। जोरा की डोली जरूर उठेगी और अपने शौहर के घर जाएगी। तुम शादी का तैयारी करो सिस्टर, आखिर इतना बड़ा बॉडी किस दिन काम आएगा? जिधर हम हो उधर जिन भूख नहीं आ सकता है। हम इस घर का हिफाजत तो बन के करेंगा। मैं अपने भाई के खून का बदला उस लड़की की आबरू से लूंगा जिसकी वजह से मेरा भाई कत्ल हुआ था। वो लड़की तुरंत बनने के बजाय मेरे बिस्तर पर होगी। रोको, ए भाई लोग, ये तुम्हारा सिस्टर का डोली है, इसको काहे को रुकवाते हैं? इसको कंधा दो। डोली को उठाकर हमारे डेरे पर ले चलो। चलो, ये डोली दूल्हा के घर जाएगी या दुल्हन कब्र में? ये डोली वडेरे तेरे घर नहीं जाएगी। आज रात इस लड़की को हमारे बिस्तर पर गुजारनी होगी। नहीं, ये रात आज तुझे बाहर गुजारनी होगी। चुप। होशु, अब मेरी भेड़ को इत्मीनान से उसके दूल्हे के घर पहुंचा देना। खबरदार! Thank you.
बलोच। और तुम? खुशहाल पठान। होशु सिंधी। राजू पंजाबी। तो तुम सिंधी, बलोची, पंजाबी और पठान हो? क्या तुम में से कोई भी इस मुल्क का रहने वाला नहीं? अरे माँ, हम ये कैसे भूल जाऊं कि हमारा बाप भी बलोची है और हमारा माँ भी बलोची है। मैं पंजाब ची जमया वा ते पंजाब ची वड्डा होया वा। माँ, पंजाब का पानी मेरा खून है। सिंधड़ी सुहारी मेरी जिंदड़ी है अम्मा। और खैबर का पत्थर हमको जान से भी ज्यादा अजीज है। अलग अलग फूलों से इतना प्यार, और गुलशन का जिक्र ही नहीं। तुमसे ज्यादा ना समझ बेटे शायद ही किसी कौम ने पैदा किए हो। बताओ, जब तुम्हारा खुदा एक, रसूल एक, कुरान एक, तो फिर तुम एक क्यों नहीं? अम्मा, तू बिल्कुल ठीक कहती है अम्मा। आओ माँ, बिल्कुल ठीक फरमाती है। ठीक है ठीक है, माँ का बात मानने वाला है। माँ ने बिल्कुल सच किया। ओ पागल दा पुत्तर है, चढ़ा माँ दी गल न मने। तो फिर आओ माँ के गले से लगकर अहद करो कि तुम्हारी जिंदगी और मौत पाकिस्तान के लिए है। माँ 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 अरे रहीम, इस वक्त तुम्हारा माँ और बाप सरदार के जुल्म की आग में चल रहा है और दम में दर आराम से बैठा है। उठो और किसी को बताए बगैर अपना इंतकाम का मंजिल तक पहुंचो। उठो। क्या बात है? ओ यार, पता नहीं चला गया। मैं समझ गया, वो अपने इंतकाम की आग में जल रहा था। वो अपनी मुसीबत में हम सबको नहीं डालना चाहता था। राजू, तुम ठीक बोलते। सही, अकेला ही इंतकाम लेने के लिए चला गया यार। वो रात को सोने से पहले हमको बोलता था कि हमारा दिल जलता है, जरूर कोई गड़बड़े। क्या बात है बेटा, सोए नहीं? वो हमारा यार रहीम चला गया। माँ, कहाँ चला गया? अपना इंतकाम लेने के लिए। असी भी चले जाना माँ जी, इस वास्ते कि जरा यार का साथ ना देवे। वो यार नहीं होता। उसे कहाँ ढूंढोगे? उसका गांव मैं जानता हूँ अम्मा, उसने मुझे बताया था। तुम फिक्र ना करो माँ, हम उसको ढूंढ लाएगा। मगर जाने से पहले ये वादा करो, जब चारों भाई मिल जाओगे तो माँ के पास जरूर आओगे। असि जरूर आवेंगे मां। मां के कदमा तो चंगी जगह इंसान और कितने मिल सकती है। तू ये दुआ कर मां कि साड़ा यार ते साड़ा भरा सानू मिल जाए। यार खुशहाल खान अभी तक खाना लाकर नहीं आया। यार दुआ कर उसका दाव लग जाए, नहीं तो भूखे। हाँ, मेरा यार आ गया। अब आ क्या? ओ यार, खोल के तो देखो है क्या इसके अंदर। वो बड़ी मुश्किल से सारी गाड़ी में एक डब्बा मिला। मुसाफिर सोया था, हम काना उठा रहा, वो न भूखे मरते। हाँ, ओ यार एक ही है। अरे ये तो बच्चे के पीने का दूध लेके आया है। ओ यार खुशहाल खान, और बच्चे के माँ पे पावे भूखे मर जाए कोई गल नहीं है, पर बच्चे को भूखा नहीं मरना चाहिए, ये बड़ी बुरी गल है। हाँ, ये दूध किसी तरह भी बच्चे की माँ को वापस दे आओ। यार तुम ठीक बोलते, हमको क्या पता था, खुदा कसम से गलती हुआ है।
ठीक है, जब तक हम दूध वापस नहीं करेगा कोई काना नहीं खाएगा। फिर तुम भी नहीं खाओ, हम भी नहीं खाएंगे। हम भूखे सफर कर लेंगे पर किसी पर ये जुल्म नहीं होने देंगे। जा जाके वापस करके आ। ओ बच्चा बच्चा, हम बड़ा जाले में हम तुम्हारे साथ बड़ा शुरू किया। मुझे मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? नहीं हम छोड़ नहीं, नहीं छोड़ नहीं, पापा हम छोड़ नहीं, पुलिस पुलिस मेरे बच्चे। वो राजू, वो शू, वो इधर तो पुलिस का चक्कर हो गया। वो भाई जल्दी उतरो। तू यहाँ कैसे? बाबा, सलाम करने वाले हाथों ने बंदूक उठा लिया है। अब ये दरवाजे, ये दीवारें, सब कुछ ढोक जाएगा। हेलो, पुरुषोत्तम। मर सकता हूं पर दोस्त का साथ नहीं छोड़ सकता। जल्दी करो। और पहुंचा पगला, आ जाओ आ जाओ, बंदूक नीचे फेंक दो। जूझ बजूझ का बच्चा। हाँ, हम मर सकते हैं लेकिन हमारा दोस्त ही नहीं मर सकता। आओ हमारे साथ। भागने की कोशिश मत करो, हम लोग मेरा कब्जे में हो। रहीम बलोच, याद रखो, तुम हमारी कैद से बचकर जहन्नम के सिवा किधर नहीं जा सकता। बंदूक सुटते आए दुश्मन की इस दुनिया च दोस्ती का हौसला अली जिंदा है। अज मैं तेरे जुल्म की अखीर करके छड़ांगा। ओए दोस्त, जिंदा तो दुश्मन बच के नहीं जा सकता। अला फारस दिन इसको बन के रख दे। कल तक तुम्हारा हुक्म हमारा मौत बनता था, पर आज हमारा ललकार तुम्हारा मौत का ऐलान करेगा। पुकार अपना जुल्म को, बुला अपना कैद को, आवाज दे अपना तालत को। आज हमारा हाथ तुम्हारा दिल का धड़कन बंद कर देगा। नहीं, नहीं, नहीं। हम बदला हूं, हम हम इंतकाम Thank you.
बलोड़ बलोड़, वीरानियां खत्म हो गई, अब आबादियां शुरू होने वाली, अब जरा एहतियात से आगे बढ़ो। आशुखाना यार, रात का इंतजार करो फिर चला जाएगा निहार। और यार भावे रात हो तो भावे दिन, कानून की अखियां बंद नहीं होती हैं, हमें चाहिए कि इस इलाके से फौरन निकल जाए। सब ठीक बोलता है राजू, मगर हम लोग का साथ रहना हम लोग के लिए खतरनाक हो जाएगा। नहीं यार नहीं, हम सब एक साथ रहेंगे, मौत आई तो परवाह नहीं। यार ओशो, तुम हम लोग का मतलब नहीं समझा, हमारा मतलब है हम लोग को हमेशा इकट्ठे रहने के लिए थोड़ा थोड़ा देर के लिए अलग होना पड़ेगा। और यार रिमू ठीक कह रहा है, अगर हम सब लोग इकट्ठे रहे ना तो हो सकता है कि पुलिस हमको पकड़ ले। ठीक है, जैसे साथियों की मर्जी, हमने अम्मा से वादा किया था कि रहीम को लेकर वापस जरूर आएंगे। ठीक बोलते हैं यार, ठीक बोलते हैं, माँ के पास पहुँचने के लिए हम सबको इलाजा होना चाहिए और हमारा मंजिल माँ का घर होगा। ठीक है इंशाल्लाह। तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? बहुत दिनों से तुम गांव नहीं आए, सोचा खुद ही शहर जाकर बेटे से मिल लूं, शायद बहुत मसरूफ हो इन दिनों। बस कुछ ना पूछो माँ, आजकल तो एक मिनट की फुर्सत नहीं। कारोबार का क्या हाल है बेटा? बहुत अच्छा माँ, बहुत अच्छा। जल्दी रोज तक पूरे मुल्क में मेरा कारोबार फैल जाएगा। एक बात समझ नहीं आती। वो क्या? यहाँ तिजारत की कोई चीज, कोई बिकने वाला सामान दिखाई नहीं देता। तुम्हारा बेटा जो सामने खड़ा है, तो क्या तुम बिकते हो? नहीं माँ, अच्छे बिजनेसमैन की सिर्फ जबान बिकती है। आजकल तुम्हारे बेटे की एक हाँ एक इकरार की कीमत लाखों रुपए पड़ती है। यहाँ की बात तो अलग रही, समंदर पार भी तुम्हारे बेटे की जबान पर भरोसा किया जाता है। ये ख्याल रखना बेटा, तेरी जबान कोई ऐसा इकरार, कोई ऐसा अहद न कर ले जिससे सिर्फ तेरा ही फायदा हो, किसी और का भला नहीं। मैं बड़ी एहतियात से आगे बढ़ रहा हूँ। तुम कभी सोच भी नहीं सकती माँ कि कल इस मुल्क में मेरा मकाम क्या होगा। खुदा उस वक्त तक मेरी आंखें खुली रखे और तुम्हें जिंदगी दे। हाँ जी भाई जान, क्या चाहिए? अरे तो चालो नहीं, एकदम खड़ा का। अच्छा जी, पन नाल डबल रोटियां भी ले आके हमें। बहुत अच्छा रजविया जरा शाबाश। अरे लाखो तुम, अरे मेरे यार तुम यहाँ कैसे? मुझे तो रिहाई मिले 2 महीने हो गए, तुम कब रिहा हुए? अरे जवान अभी हम लोग रिहा नहीं हुआ हूँ तो फिर बाहर कैसे? ओए हम दरिया के बंद पे काम कर रहे थे, वहां से दरिया में छाले मारी जरूर के यहाँ पहुँच गए। हाँ इसका मतलब है कि खतरे में हो। अरे अल्लाह मालिक है। अरे मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ, चलो मेरे साथ चलो, जिंदगी आराम से भी कटेगी और कानून का खतरा भी नहीं रहेगा। कल सुनो पक्की बात है ना? कसम खुदा की मुझ पे भरोसा करो, जेल का साथी हूँ, जेल के बाहर भी धोखा नहीं दूंगा। अरे ठीक है जवान, हम लोग तुम्हारा साथ चलूंगा। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। तुम अपने आदमियों से कहो कि रचना पुल के पास इंतजार करें, मैं पूरा सामान भेजने की कोशिश करूंगा। अकबर जाओ, डायनामाइट दस्ती बम और आग लगाने वाले बम बाहर भेजने के लिए पैक कर दो, देखकर कौन जाएगा इसका फैसला बाद में होगा। जाओ। सरकार इनसे मिलो। सरकार ये कौन है? अपने आदमी हैं, बड़े बहादुर, बड़े दिलेर, बड़े जीदार, जेल में मेरे साथ है। सरकार रिहा कब हुए? अरे हम रिहा नहीं हुआ हूँ, बंद का मरम्मत करते हुए दरिया में बह गया था, सब लोग समझे हम लोग मर गया हूँ। हम भी समझा मर गए, मगर ये जिंदा थे, हमको मिल गए, हम साथ ले आए, अपने काम के आदमी है सरकार। इसका मतलब है ये पुलिस के कागजात में मर चुके हैं और अब जिंदा रहने के लिए सहारा चाहते हैं। और सारा सूरा कोई नहीं साहब बहादुर, हम तो अपने खुदा के सिवा कभी आज तक किसी का सहारा नहीं मांगते, वो तो ये हमको मिल गया था तो हम इसके साथ यहाँ आ गए।
हमने सोचा कि गिरफ्तार गुरफ्तूर ना हो जाए और ही मैं। हाँ ठीक है, अरे हम बोला ये किसी को बोलना देवे नहीं तो हम लोग पकड़ा जाएगा। इसका जबान बंद करने के वास्ते हमें तरह के हम लोग उस वक्त तक बाहर रहना चाहता है जब तक हम लोग आपस में मिल के माँ के पास नहीं पहुँच जाते। फिर भले हम लोग पकड़ा जावे हम लोग का कोई परवाह नहीं है। तुम फिक्र न करो, जबान बंद रहेगी, तुम कानून से बेफिक्र होकर यहाँ जिंदगी गुजारोगे। अरे हम लोग को कोई काम वाम दो जवान, हम लोग आराम का नहीं कहता हूँ। हाँ अरे काम हो तो दे दो नहीं तो ठीक है, अल्लाह बहुत बड़ा मालिक है। क्यों राजू? ओए ओहो, हम डर डर के किसी के पास काम नहीं करते साहब। आदर तो काम जरा करते हैं ना, वो करते बड़ी दयानतदारी के नाल है। मुझे तुम्हारी दयानतदारी ही चाहिए और इसका इम्तिहान मैं आज रात ही ले लूंगा। लाखू अपने दोस्तों को नहायत आराम से नीचे ठहराओ और रात होते ही ये सामान जीप पर लोड करके इनके हवाले कर दो। इनकी मंजिल रचना पुल होगी, वहां हमारे साथ ही इनका इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है सरकार, मैं सब समझ गया और इनको भी अच्छी तरह समझा दूंगा। चलो आओ दोस्तों। ओ पर साहब, ओ काम को बिगाड़ने का तो नहीं है ना? नहीं, बहादुरी का। आप ठीक है, हम लोग भी देख लो जवान, हम लोग से बढ़ के बहादुर तुम लोग को कोई नहीं मिलेगा। वेरी गुड, चलो आओ भाई। मुकद्दस बाबा, कल तक मैं इसलिए नाचती थी कि लोग खुश हो जाए, मगर अब मैं इसलिए ना चुकी कि मेरे नाचते हुए पाँव मुझे उस मुकाम तक ले जाए जहाँ मेरे वतन के खिलाफ साजिश करने वालों की शेरक मेरे सामने आ जाए। अजीज बाबा, मुझे हिम्मत दे, मैं अपने वतन के लिए हर अदाई से गुजर सकूँ। Thank you.
जगमगाऊंगी। तुम अजीम हो अम्मा, बहुत ही अजीम हो। तुम मेहरान दरिया हो जो सबकी प्यास बुझाता है फिर भी उसका पानी कम नहीं होता। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें अमजद के पास भेज देती हूँ, सारे भाई मिलके काम करना। वो किधर है हमारा भाई? मैं तुम्हें पता दे देती हूँ, तुम दोनों सुबह अमजद के पास शहर चले जाना। मैं राजू और रहीम का इंतजार करूंगी, वो जब भी आएंगे उन दोनों को भी तुम्हारे पास भेज दूंगी। भलोड़, माने तुम लोगों को यहाँ किसने भेजा? गार्ड के वास्ते भेजा और किसके लिए भेजा? उसने कहा हमारे बेटा के पास काम है, तुम जो तुमको काम मिल जाएगा। तुम भी उसका बेटा, हम भी उसका बेटा। माँ ने तो सारी कौम को अपनी औलाद ही समझ लिया है। अरे इसमें झूठ भी क्या है, उस जैसा माँ अल्लाह सबको दे। तुम दोनों का आपस में रिश्ता क्या है? वो हम दोनों भाई भाई हैं। आई डोंट बिलीव, तुम झूठ बोलते। एक पठान सिंधी का भाई कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? इम्पॉसिबल। देखो ना तुम्हारी जबान, वो जबान वबान को गोली मारो यारा। वो तुमने इतना बड़ा मकान बनाया फिर भी तुम नहीं समझता है। हमारा बात सुनो, एक माँ का दो बच्चा होता है ना, होता है ना, एक गूंगा होता है एक बोलता है, मगर फिर भी दोनों भाई भाई है। वो हम तो एक दूसरे के जबान को समझता है, सब कुछ समझते हैं, फिर भी भाई भाई नहीं। बोलो। नो 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 नो, देखो ना तुमने पठानी लिबास पहना है और तुमने सिंधी। अरे पठानी सिंधी लिबास क्या होता है? हैं तो हम हिक, खुदा हिक, रसूल हिक, कुरान हिक, नमाज सिंधी भी पढ़ता है, पठान भी पढ़ता है, रोजा सिंधी भी रखता है, पठान भी रखता है। तुम देखो ना, तुम हमारा भाई है, हा? फरंगी का तुमने लिबास पहना है, जबान भी उसकी बोलता है, तो क्या हुआ, क्या फर्क है? ये बातें कुछ लोग मानते हैं, सब नहीं। बहरहाल तुम भाई हो या दुश्मन, मैं तुम्हारा दोस्त, और तुम्हें यहाँ रोजगार भी मिल जाएगा। अकबर तुम्हें रहने की जगह भी बता देगा और काम भी बता देगा। अकबर आइए सर। सलाम। आओ सही खाना। हमको तो इसके मगज में खंजीर मालूम होता है, सुअर लगता है हमको। सही खाना, वो बाबा के सामने बीड़ी पीता है। माफी साईं। बाबा जी माफ। भलो मुर्स हो। क्या बात है बड़े साहब का। बॉस अभी भी पता चला है कि रचना पुल से गुजरने वाले हमारे माल को पुलिस रोकना चाहती है। अगर पुलिस आ जाए तो उन्हें रोकने का बंदोबस्त करो। ओके बॉस। दारा तुम हमारे नए मेहमानों का बड़ा ख्याल रखना। यस बॉस। ये कमरा आप लोगों का है। हेलो हेलो। सही खाना, वो काफी कमरा है ये तो यार। वाह आओ। आप पर बाबा कायदे आजम की तस्वीर कहीं नजर नहीं आती। तुम ठीक बोले यार। मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम मेम साहब। आओ आओ। अरे तुम उस अंग्रेज के चमचड़े की भेड़ हो क्या? नहीं, उसकी दुश्मन। दुश्मन? हाँ, इसलिए कि वो मेरे मुल्क का दुश्मन है। इस सर जमीन पर बसने वाली हर बेटी, माँ, बहन, भाई और बाप का दुश्मन है। कायदे आजम के पाकिस्तान का दुश्मन है। तुम्हारे ईमान और मेरे एहसास का दुश्मन है। बस तेरे आंसू बता रहे हैं कि तुम सच बोल रहे हो। हमको भी यकीन आ गया कि वो फिरंगी का बच्चा सिंधी और पठान को भाई नहीं समझता। वतन के लिए कुर्बानी दे सकोगे? सिर दे सूं पर वतन न दे सूं। काफिर है वो जो पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान न करे। तुम हमको काम बताओ बहन, हमारा उस खुदा पाक पर कसम है, अगर वो हमको 100 दफा भी जिंदगी दे
तुम पाकिस्तान पर 100 दफा कुर्बान हो गए। जिंदा रहो मेरे भाइयों, आओ मैं तुम्हें रास्ता भी बताती हूँ और मंदिर भी। बेटा मुजरम है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ माँ। माँ तुम्हारा बेटा गोली बंदूक और चरखा का कारोबार करता है। हमको इस खंजीर ने सब बताया, वो खंजीर माँ को भी बताओ। हम जितने आज भी अपने चरस रफीम का ट्रक मंगाया और पुलिस को रोकने के लिए अपने आदमियों को भेजा है। तेरा बेटा ऐसे लोगों का दोस्त है अम्मा, जो हमारे वतन के दुश्मन है। माँ वो खाना खराब का बच्चा हमको भी साथ मिलाना चाहता है, वो हम उधर नहीं जाएगा। तुम चाहोगे? माँ तुम्हें इजाजत देती है कि मेरे बेटे के रास्ते की दीवार बन जाओ और ये साबित कर दो कि जब पासवान जाग रहे हो तो कोई डाकू कोई लुटेरा वतन की अजमत में नकब नहीं लगा सकता। तुम किधर? यहाँ चक्कर क्या है? अरे राजू ऐसी हो गई यार, अरे हम लोग को एक दूसरे का दुश्मन किसने बनाया? वो हमारा वतन के दुश्मनों ने और किसने? पर वतन का दुश्मन कौन है? अरे वही जिसके पास से तुम बम बारूद लाए हो। हाँ तुम ठीक बोलते हैं जवान, इसमें बारूद है बारूद, जो हमारा वतन हमारा भाई और हमारा मजहब के खिलाफ इस्तेमाल होगा। ओ खुदा दी कसम री मियां, अब ना हमारे वतन का कोई दुश्मन रहेगा तो ना ये बारूद रहेगा। हाँ यारो, वतन है तो हम भी है, वतन न रहा तो कुछ भी नहीं रहेगा। कसम है शहीदों के रंगी लहू की, कसम है शहीदों के रंगी लहू की, कसम जिंदगी की, कसम आबरू की। घर अपना किसी को जलाने न देंगे, वतन पर कभी आंच आने न देंगे। कसम है शहीदों के रंगी लहू की।
वतन पर कभी आज आने नहीं दे, कसम है शहीदों के रंगीन लहू की। कसम है शहीदों के रंगी लहू की, कसम जिंदगी की, कसम आबरू की। घर अपना किसी को जलाने न देंगे, वतन पर कभी आज आने न देंगे। कसम है शहीदों के रंगी लहू की। आज तुम्हारी साजिश और मेरी सोच मंजिल तक पहुंच जाएगी। तुम्हारा मफाद क्या है ये मैं जानता हूँ। मैंने अपनी कीमत क्यों वसूल की है ये तुम जानते हो। आई नो मिस्टर अमजद, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इस मुल्क में तुम जैसा दोस्त मिला। आई देख, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है। तुमने क्या प्लान बनाया है कुछ बताओगे? चल। अफीम। कोकी। मार दिया। हमारे मुल्क में हमारे कारोबार का धुआं फैल जाएगा और फिर पैसा ही पैसा, डॉलर, पाउंड, सोना। वेरी गुड, वेरी गुड मिस्टर अमजद, वेरी गुड। और फिर भाई भाई की तरह हम होंगे, दुनिया के हर कोने में हमारी चरस और अफीम का धुआं होगा और फिर जमीन और आसमान नशे में डूब जाएंगे, दौलत और इज्जत की बुलंदी हमारे कदमों में होगी, कदमों में होगी, कदमों में होगी।
करने वाली। इससे बड़ा जुर्म वतन देखना है। लेकिन तुम तो ईसाई हो, तुम्हारा इस मुल्क से क्या ताल्लुक? मेरे लिए वतन बाइबल की तरह प्यारा है, इंजील की तरह मुकद्दस है। ये वतन मेरी माँ है और बेटी अपनी माँ से ज्यादा प्यार करती है। आज तेरे बारूद के साथ मैं भी धुआं बन जाऊंगी। तेरे लाए हुए बारूद के शोले मेरे वतन तक नहीं फैलेंगे, नहीं फैलेंगे। कहीं सुधारा नहीं। Thank you.
कसम है शहीदों के रंगी लहू की, कसम जिंदगी की, कसम आबरू की। घर अपना किसी को जलाने न देंगे, वतन पर कभी आज आने न देंगे। कसम है शहीदों के रंगी।